हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की सेकंड बुक ए फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का फर्स्ट चैप्टर ए टर्म ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरियट को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ डिस्कस द चैप्टर। मिस पम्फ्रे वाज ए रिच एंड इमोशनल लेडी। श्रीमती जो पम्फ्रे है वो बहुत ही धनवान और एक भावुक औरत है। शी हैज लिटल क्यूट डॉग नेम ट्रिकी। उसका एक छोटा क्यूट डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है। सी लव्ड हिम सो मच। वह उसे बहुत अधिक प्यार करती है। सी ऑलवेज ओवर फीड हिम। ये उसकी प्रॉब्लम है, वह उसे ज्यादा खिलाती है। देयरफॉर इसलिए ट्रिकी हैड पुट ऑन ए लॉट ऑफ वेट। इसके कारण ट्रिकी का वजन बढ़ गया है। एंड हैंस बिकम लेथार्जिक। और वो लेथार्जिक हो गया है। लेथार्जिक लेजी हो गया है। LAZY लेजी हो गया है। ही कुड हार्डली वॉक। अब वो मुश्किल से चलता है। हिज आईज वर ब्लड सूट। उसकी आंखें रेडिश हो गई, लाल हो गई है। ए वाटरी डिस्चार्ज फ्लोड फ्रॉम देम। और आंखों से पानी बहता है। हिज टंग लॉर्ड। उसकी जो जीभ है वो लैक्स हो गई है, बाहर आ गई जबड़े से। फ्रॉम हिज जॉ, उसके जबड़े से बाहर आ गई है। मिस्टर हैरिट वाज ए वेट। वहां पर एक वेट है, वेटरनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, जिसका नाम श्रीमान हैरिट है। व्हेन ही सॉ द डॉग, जब उसकी नजर कुत्ते पर पड़ती है, ही वाज शॉक्ड, वो बहुत ही दुखी हो जाता है। द डॉग लुक्ड लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज। और कुत्ता है वो फूले हुए मांस की तरह लगता है। हैविंग लेग टू ईच एंड, मानो उसके चारों कोने पर पैर है। यानी कि कुत्ता ओवर ईटिंग से इतना अधिक फैटी हो गया है कि एक फूला हुआ मांस का लोथड़ा लग रहा है जो पैरों पर चल रहा है। ही एडवाइज्ड, ही मींस डॉक्टर एडवाइज हर टू स्टॉप गिविंग हिम डाइट। यहां पर डॉक्टर हेड है, उसे एडवाइस देता है कि यू हैव टू स्टॉप इट्स डाइट, आपको इसकी डाइट बंद करनी है। एंड आस्क हर दैट डॉग शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। फर्स्ट स्टॉप डाइट, सेकंड स्टार्ट मोर एंड मोर एक्सरसाइज। उसकी ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करवानी है। सी एग्रीड, श्रीमती पम्फ्रे एग्रीड हो जाती है टू द बेस्ट एडवाइस। पशु चिकित्सक की सलाह को यस तो कह देती है, मान तो लेती है, बट फेल टू एक्ट ऑन इट, लेकिन उस पर अमल नहीं करती है। सी थॉट दैट डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। अब मिसकंसेप्शन हो गया है उसे, डॉक्टर उसे एडवाइस कर रहा है, डॉक्टर जानते उसकी बीमारी है, लेकिन वो मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में गलत धारणा हो गई है। वो सोचती है ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, वो कुपोषण का शिकार हो गया है। मेल न्यूट्रिशन मीन कुपोषण, वो कुपोषण का शिकार हो गया है। सो ही स्टार्टेड गिविंग हिम मोर फैट्स, इसलिए उसे फैट्स देती है, चॉकलेट खिलाती है और क्रीम केक्स एंड टॉनिक्स, और उसे टॉनिक्स खिलाती है। व्हाइल डॉक्टर आस्क्ड हिम टू स्टॉप हिज डाइट, बट बाय मिसकंसेप्शन ही स्टार्टेड मोर एंड मोर एनर्जिक फूड टू द डॉग्स। सून द ट्रिकी फॉल सिक। और रिजल्ट क्या होता है कि कुत्ता और बीमार हो जाता है। एंड द डॉक्टर वाज कॉल्ड, और तभी श्रीमती पम्फ्रे को फ्रेंटिक कॉल करनी पड़ती है, इमरजेंसी कॉल करनी पड़ती है श्रीमान हैरिट को। मिस्टर हैरिट समहाउ टुक ट्रिकी टू हिज हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट। और डॉक्टर आता है और ट्रिकी को उसके इलाज के लिए अपनी सर्जरी अपनी हॉस्टल में ले जाता है। फॉर टू डेज डॉग डिड नॉट मूव। दो दिन तक कुत्ता वहां हिलता नहीं है। एंड आल्सो डिड नॉट ईट एनीथिंग, और खाता भी नहीं है, ना हिलता है नहीं खाता है। और जहां पर उसका बेड है, जहां पर उसका बॉक्स है, उसमें ही वो लेजी लेटा रहता है। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही वॉन्टेड टू गो आउटसाइड, वो बाहर जाने की कोशिश करता है।
एंड देयर ही स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर्स डॉग. नाउ ही स्टार्ट एक्टिविटी. क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी ओवर डाइटिंग थी, वो थोड़ी सी कम होने लगी और पहले दिन उसने हिलना जुलना स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन नेक्स्ट डे प्लेइंग विद अदर्स डॉग उसने दूसरे कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर दिया. ही आल्सो लिक्ड बाउल्स ऑफ अदर डॉग्स, और अब दूसरे कुत्तों के जो बाउल्स थे, प्याले थे, कटोरे थे, जिनमें भोजन रखकर खिलाया जाता था, उनको चाटने लगा. टू ईट द रिमेनिंग फूड, उनका बचा हुआ भोजन. नाउ ही स्टार्ट कम्पीट्स, अब उसने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया भोजन खाने के लिए. हिज कंडीशन स्टार्ट इंप्रूविंग, एज ए रिजल्ट उसके स्थिति में सुधार होने लगा बड़ी तेजी से. आल्सो ही स्टार्ट फाइटिंग फॉर हिज मील अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों के साथ अब अपने भोजन के लिए वो लड़ाई भी करने लगा. हियरिंग द न्यूज, अब जब डॉक्टर ने पैम्फ्री को एक न्यूज भेजा कि आपका जो कुत्ता वो ठीक होने जा रहा है, हियरिंग द न्यूज, यह समाचार सुनकर सी स्टार्टेड सेंडिंग एग वाइन बोटल, बट दे कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरिट एंड हिज स्टाफ. और ये देखकर कि उसका कुत्ता इंप्रूव कर रहा है, उसकी कंडीशन अच्छी हो रही है, उसे अब एनर्जी की जरूरत है, श्रीमती पेम्परे जो है वो उसके लिए एग्स है, ब्रेंडी है, वाइन भेजने लगी. लेकिन ये एग्स है, ब्रेंडी है, वाइन है, वो जो श्रीमान हैरिट का कुत्ता नहीं खिलाता था, वो जो स्टाफ है उसका कंपेनियन है और स्वयं ब्रेकफास्ट के रूप में खाने लगी. दैट द डॉग हैड रिकवर्स, सी कम इन द हॉस्पिटल्स, जब उसे समाचार मिला कि कुत्ता ठीक हो रहा है तो वो हॉस्पिटल में आई. सी वॉज सरप्राइज, वो बड़ी हैरान थी. वेन द डॉग केम रनिंग, कुत्ता एकदम उसके दौड़ता हुआ उसकी तरफ, एंड जंप इन टू हर लैप्स, और उछलकर उसकी गोद में जा बैठा. ट्रिकी लुक्ड वेरी एक्टिव एंड फुल ऑफ लाइफ, ये उसमें बदलाव है. अपने देखा उन्होंने कि कुत्ता बहुत ही एक्टिव भी है और अब ऊर्जा से भर गया है. मिस पैम्फ्री कॉल्ड इट ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और श्रीमती पैम्फ्री ने इसे ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी की विजय मानी. सी थॉट दैट हैरिट हैड डन वंडर, उसने सोचा कि श्रीमान हैरिट ने कोई चमत्कार कर दिया है. सी न्यू नथिंग ऑफ ट्रिकी एलिमेंट्स, और वह ट्रिकी की एलिमेंट्स, एलिमेंट सिकनेस, सिकनेस इलनेस बीमारी, वह ट्रिकी की बीमारी को नहीं जानती थी. सी डिड नॉट नो दैट ट्रिकी ओनली प्रॉब्लम वाज ओवर ईटिंग, उसे पता नहीं था कि ट्रिकी की वास्तविक बीमारी ओवर ईटिंग है. एंड देन दिस वाज स्टॉप, और जब इस बीमारी को रोक दिया गया, ही वाज ऑलराइट, तो वो ठीक हो जाते हैं. और हम यहां देखते हैं कि एक यूनिवर्सल मैसेज है, एक बहुत ही सुंदर संदेश है कि ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को बहुत ही लाड़ चाव करते हैं, ओवर ईटिंग करवाते हैं, बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है, और यदि अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट को ठीक किया जाए तो शायद कोई बीमारी ना हो, हमें डॉक्टर को जाना ना पड़े. जिस प्रकार ट्रिकी को लेकर श्रीमती पैम्फ्रे बहुत ही उदास थी, लेकिन डॉक्टर जानता था कि उसकी वास्तविक बीमारी क्या है, और डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, उसे केवल अपनी सर्जरी में ले गया, वहां पर उसका बेड लगाया जो बॉक्स में रखा उसे, और उसे एक दो दिन कुछ खाने को नहीं दिया. उसे भूख लगने लगी, और जो बाउल्स है, जो और कुत्तों के लिए जहां पर वो भोजन उडेल कर दिया जाता था, वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें रुचि लेने लगा. और इस प्रकार हम देखते हैं कि झगड़ कर, लड़ाई कर कर वो एक दूसरे के साथ उन्होंने सीखा, और फिर वो इस तरह हो गया, दौड़कर उसकी जो फैट थी वो खत्म हो गई, और अब उसे आनंद आ रहा था, खाने लग गया, और बहुत अधिक इंप्रूवमेंट हुआ. और यह देखकर पैम्फ्री बड़ी आश्चर्यचकित थी कि श्रीमान हैरिट ने एक चमत्कार कर दिया, जबकि चमत्कार कुछ नहीं था, कुत्ते की जो लाइफस्टाइल है, कुत्ते की जो डाइट है, उसको बैलेंस किया गया और वहां पर एक चमत्कार हो गया. आई थिंक
आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।